भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा, हमारी सरकार ने विकास कार्य में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा नेताओं ने पैसवार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा ने स्वीकार की चुनावी जंग की चुनौती। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की दिनांक पास आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। एक प्रेस वार्ता में भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि विकास के हर कार्य में हमारी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। विकास के कार्य को देखते हुए हमारी पार्टी की जीत निश्चित है। देखिए, तो खुद मेरे को उसमें कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर कुर्सी की किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, अभी तो जमीन ही नहीं है तो खेत उखाने की बात कैसे करते हैं। इसलिए स्वयं इसके बारे में वो चिंता करें कि कौन बनेगा। अभी तो राजस्थान में जनता इस बात को पूरी तरह, देश की जनता इस बात को तय कर चुकी है कि अब कांग्रेस के दिन लग चुके हैं। कांग्रेस को लगातार उन्होंने हार का मजा चुकाया है और आगे भी मुझे विश्वास है कि इन चुनावों में भी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को ही जनता चुनेगी और साथ रहेगी। वहाँ मुख्यमंत्री का कहीं सपना देख ले, लेकिन पूर्ण होने की बात कहीं दूर दूर तक नहीं। सर, कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने विकास के नाम पे खुली चुनौती की दी है कि कांग्रेस भाजपा मोर्चा की बहस स्वीकार करें। मैं भी चुनौती स्वीकार करता हूँ। उनको कह तय कर लें जिस मंच पे जिस कार्यकर्ता के साथ चाहे हम तैयार हैं बहस कर। सर, जो आपके प्रत्याशी हैं रामस्वरूप जी, उनके साथ कई भाजपा नेता भी जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स जनता की तरफ से भाजपा को मिलता है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। जहाँ भी जाते हैं जनता पूरी तरह समर्थन कर रही है। जहाँ पार्टी के पक्ष में होता है उन्हें, वहीं रामस्वरूप जी को स्वयं को भी एक विश्वास इस बात का खड़ा जनता कर रही है कि जिस प्रकार से संवरलाल जी ने काम को बढ़ाया था, उसी प्रकार का इनके द्वारा भी काम होगा निश्चित रूप से।